हमारा देश भारत जो रहस्यों से भरा देश है, इस देश की सभ्यता जितनी पुरानी है लगभग उतने ही पुराने यहाँ के मंदिर हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में स्थित एक ऐसे मंदिर की जो अपने आप में काफ़ी सारे रहस्यों को और चमत्कारों को समेटा हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर की मूर्ति में एक दिल है जो इंसानी दिल की तरह ही धड़कता है, और वह दिल किसी और का नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ पुरी की, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। तो आइए जानते हैं 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में। नंबर एक, मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया और अंतिम संस्कार किया गया तो उनकी देह तो पंच तत्व में विलीन हो गई, पर उनका हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा। कहते हैं वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ के काष्ठ की बनी मूर्ति में धड़क रहा है। आपको बता दें कि मंदिर में 3 काष्ठ की बनी मूर्तियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण, बलराम और माता सुमद्रा को समर्पित हैं। वह मूर्तियां हर 12 साल में एक बार बदल दी जाती हैं। उस दिन पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, चारों ओर अंधेरा कर दिया जाता है, मंदिर के अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं दी जाती सिवाय उस पुजारी के जिसे मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कभी नहीं बदली जाती, वह है ब्रह्म पदार्थ। क्या है ये ब्रह्म पदार्थ? आज तक इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि मूर्तियां बदलने वाले पुजारी को भी इसका कोई पता नहीं लग पाया। मान्यता है कि ब्रह्म पदार्थ को किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाती है। पुजारी बताते हैं कि वह ब्रह्म पदार्थ बदलते समय ऐसा मालूम होता है जैसे कुछ उछल रहा हो, पर हाथों में दस्ताने पहने होने के कारण ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता। कहा जाता है कि ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का वही दिल है। नंबर 2, मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, ऐसा किस कारण होता है ये कोई नहीं जान पाया है। इस ध्वज को हर रोज़ बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों तक बंद हो जाएगा। नंबर 3, मंदिर में कभी नहीं होती प्रसाद की कमी। कहा जाता है कि मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इससे जुड़ा रहस्य यह है कि चाहे लाखों भक्त आ जाए कभी प्रसाद खत्म नहीं होता, लेकिन जैसे ही मंदिर के गेट बंद होने का वक्त आता है तो प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। अब ऐसा किस कारण होता है, इसके पीछे कौन सी वजह है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं। यहाँ जो प्रसाद बनता है वह लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है, फिर 6वें, 5वें, 4थे, 3रे, 2रे और अंत में सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है ना हैरान कर देने वाली बात। नंबर 4, यह भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4,00,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास रहकर इसका गुंबद देख पाना लगभग असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन में किसी भी समय दिखाई नहीं पड़ती। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे यह इस मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। नंबर 5, मंदिर के शीर्ष पर अष्ट धातु से निर्मित सुदर्शन चक्र स्थित है जिसे नील चक्र भी कहा जाता है। इसका रहस्य यह है कि इसे आप किसी भी दिशा में देखें चक्र का मुंह हमेशा आप ही की तरफ होगा। इस मंदिर में ऐसे कई रहस्य दबे हुए हैं। कई रहस्यमय किताबें, ग्रंथ एवं खजाने के रखे हुए होने की बात कही जाती है। एक ऐसा समय था जब सैकड़ों वर्षों के लिए मंदिर रेत में दब गया था और
भविष्यवाणी है कि ऐसा समय फिर आएगा जब यह मंदिर एक बार फिर रेत में दब जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो उड़ीसा जाएं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।